हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खस्ता मटरी। फ्रेंड्स, यह बनाने बहुत ही आसान है और यह बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स, और इसे आप हल्की भूख में और सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है जिसे मैंने पहले से छान लिया है। ये 1 किलो मैदा है फ्रेंड्स। इसमें मैं 100 ग्राम सूजी ऐड करूँगी, 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच फ्रेंड्स मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, 1 चम्मच फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें 1 कटोरी रिफाइंड डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 कटोरी और रिफाइंड डालेंगे। इसमें हमने 1 किलो मैदे में 1.5 कटोरी रिफाइंड डाला है मोयन देने के लिए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मिक्स करने के लिए दोनों हाथों का यूज़ कीजिए। और अच्छे से मिक्स करना है इसे हमें। देखिए फ्रेंड्स, मोयन देने के बाद हमारा जो मैदा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसमें 1 कप नॉर्मल मींस गरम, तेज गरम नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी है उसे इसमें ऐड करेंगे और इसे गूंथेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने इसमें सिर्फ 1 कप पानी लिया था, अब हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे और अब हम इसे फिर मिक्स करेंगे। और इसे गूंथना है हमें फ्रेंड्स। अब मैं इसमें 1/2 कप और पानी ऐड करूंगी और इसे गूंथूंगी। और गूंथने के लिए फ्रेंड्स मैंने इसमें टोटल 2.5 कप पानी यूज़ किया है। अब फ्रेंड्स इसे गूंथने के बाद हम इसे पेड़े की छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। छोटी छोटी लोई, बॉल, आप कुछ भी कहें। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से है, एक ही साइज की है। अब हम इसे बेलेंगे। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी इसको बेल लिया है काफ़ी। अब हम इसे, आप चाहे तो चाकू भी ले सकते हैं, फॉक, मैंने यहाँ पे फॉक का यूज़ करा है फ्रेंड्स। फॉक से मैं इसमें होल कर रही हूँ। होल करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स ताकि इसमें हवा पास हो जाए और ये फूले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कुछ तैयार कर ली थी और इसमें मैंने अभी होल नहीं किए हैं, सो पहले हम इसमें होल कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये होल करने के बाद दोनों साइड से आराम पार हो रखी है और ये मेरे इतनी साइज़ की है, ना मोटी ना पतली। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हवा लगवाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही लगवाया है, मुश्किल से 10-15 मिनट। अब हम गैस ऑन करेंगे और उसमें इन्हें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। तेल गरम होने दें। इसके लिए मैंने एक छोटी सी लोई डाली है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा तेल गरम नहीं हुआ है, जब ये गरम हो जाएगा तो ये लोई अपने आप ऊपर तैर के आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है, अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें अपनी मटरी डालना स्टार्ट कर दिया है।
मछली फ्राई होने के बाद थोड़ी सी अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी, और आपने ध्यान देना है, इसे चलाते रहना है। और फुल आंच पे मैंने इसे सेक रही हूँ, बट आपने ये भी ध्यान देना है इसे फ्राई होते हुए साथ के साथ पलटना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और किसी पर भी ऐसा ना हो कोई सूखी रह जाए, आपको सबके ऊपर तेल चढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस कलर की हो गई है। अब हम इनसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पलटेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा वन बाय वन पलटूंगी। आप भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी मट्टी रहने नहीं चाहिए, सबको टर्न करना है। टर्न करने के बाद फ्रेंड्स, एक एक मट्टी को आप अच्छे से देखना है। अगर आपको कोई भी ऐसी लगती है जो जल रही है, उसे निकाल दें। सो देखिए, मेरी तो अभी तक सब सही है, और इसे ऐसी साइड चेंज करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मट्टी एकदम बनकर गोल्डन ब्राउन हो गई है। फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल लाल नहीं करना है, नहीं तो ये कुछ काली काली शेड ले लेगी। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मट्टी पूरी तैयार है बनके, और ये बहुत ही खस्ता बनी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, मट्टी बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप देखिए, ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मुझे आगे तक लेकर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।